रिया चक्रवर्ती को लेकर आई बेहद ही बुरी खबर सामने, और ये खबर अगर आप जानेंगे तो आपको भी काफी बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल कोरोना की इस महामारी के बीच फाइनली रिया चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे को लेकर हो रही है चर्चा। फाइनली आज है 27 अगस्त, उसकी रिलीज की डेट और फाइनली यहां पर आ चुकी है फिल्म की रेटिंग भी सामने। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर फिल्म की रेटिंग बहुत ही गंदी मिली है और यहां पर फिल्म को पूरी तरह से फीका माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर बिल्कुल भी नहीं चल सकी। अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी जैसे कलाकारों के होने के बावजूद भी ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बता दें कि इस फिल्म को 5 में से पूरे 2.5 स्टार मिले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 2.5 की रेटिंग फिल्म चेहरे को मिली है। अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अनु कपूर, रिया चक्रवर्ती, क्रिस्टल डिसूजा इस फिल्म में नजर आए थे। फिल्म को रूमी जाफरी ने डायरेक्ट किया था। 2 दिन पहले खबर सामने आई थी रूमी जाफरी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। फिल्म 2 घंटे 19 मिनट की है और ऐसे में अगर फिल्म रेटिंग देखी जाए तो यहाँ पर क्रिटिक रेटिंग की बात की जाए तो वो 2.5 है, और यहाँ पर अगर उनकी खुद की रेटिंग देखी जाए तो वो सिर्फ 2.5 है। बता दें कि यहाँ पर 2.5 रेटिंग फिल्म चेहरे को मिली है और यहाँ पर अमिताभ बच्चन के इस फिल्म में होने के बावजूद भी फिल्म काफी ज्यादा फ्लॉप रही है। बता दें कि फर्स्ट हाफ फिल्म काफी ज्यादा सुपरहिट था, लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और फिल्म के फ्लॉप होने को लेकर अब रिया चक्रवर्ती के करियर पर लग सकता है काफी बड़ा ठप्पा रुकने का। जी हाँ, उनके करियर पर काफी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और ऐसे में रिया चक्रवर्ती अपनी फिल्म की रेटिंग को लेकर है काफी ज्यादा परेशान। नेक्स्ट लाइफ से रश्मि की रिपोर्ट।